हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ओनर वेलफेयर महासंघ ने ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते राशन, सब्जी और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई ठप हो गई है। देवभूमि ट्रक ओनर वेलफेयर महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी ने बताया कि ट्रक मालिक लंबे समय से 5 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन लगातार उनकी अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते सभी ट्रक मालिकों ने भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण ट्रक मालिकों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है। ट्रक मालिकों का कहना है कि जब परिवहन सचिव और मुख्यमंत्री की ओर से मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक ट्रक मालिकों की हड़ताल जारी रहेगी। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने भी ट्रक मालिकों को अपना समर्थन दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जिन्होंने इसको पिछले साल आंदोलन शुरू किया था, स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज उन्हीं के कहीं ना कहीं हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सरकार ने उनकी तब भी नहीं मानी और हम उनके जो इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सरकार से हमारा इस बीच 2 बार वार्ता हो चुकी है और हम सरकार से जो कहना चाहते थे उसमें सरकार के बस की नहीं। आप लोग धरने में बैठे थे, उस टाइम भी आप लोग को आश्वासन मिला था, वो खाली हवा हवाई आश्वासन था या क्या रहा उसमें, क्योंकि आप लोग उठ गए उस टाइम भी, भव्य रूप से आपका जो अनशन था वो भव्य रूप नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण वो खत्म हो गया। प्रताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे, सरकारी मानक के हिसाब से 90 क्विंटल तक आप ले जा सकते हैं, फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है, यहाँ से पहाड़ पहुँचते पहुँचते जितनी पुलिस चौकियाँ हों जहाँ जहाँ उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं, जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। इन्हें प्रताड़ित लगातार करा जा रहा है। अभी भाई साहब बता रहे थे पहाड़ों में जो शादियाँ हो रही हैं वहाँ सब्जी नहीं पहुँच पा रही है,